Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering chapter number 2. हम लोगों ने काफ़ी questions कर ली हैं chapter number 2 fractions के. तो fractions के अब इसके बाद multiplication भी हमने कर लिया, multiplication का reduction वाला भी कर लिया. आज वाले lecture video में हम लोग division cover करेंगे, एक एक step समझेंगे, division क्या होता है, reciprocal क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें discuss करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है डिवीज़न में, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल पूछा जाता है जो भी डिजिट का. जैसे सपोज 1/2 का रेसिप्रोकल पूछेंगे, 2/3 का रेसिप्रोकल पूछेंगे, 4/5 का रेसिप्रोकल पूछेंगे, तो कुछ नहीं. रेसिप्रोकल में क्या होता है, इसको अपोजिट कर दो. जैसे 1/2 है तो 2/1, जिसको मैं 2 भी लिख सकती हूँ. 2/3 है तो अपोजिट कर दो 3/2. 4/5 है तो अपोजिट कर दो 5/4. 6/7 है तो अपोजिट कर दो 7/6. तो ये ही क्या होता है, आपका रेसिप्रोकल कहलाता है. तो होपफुली रेसिप्रोकल के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई a बाय बी की फॉर्म में नंबर है तो उसको b बाय ए की फॉर्म में लिख दो, तो वो रेसिप्रोकल कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 डिवीजन का जो फॉर्म होता है, दैट इज फाइंड. फाइंड का फर्स्ट पार्ट है 18 डिवाइड बाय 3/4, ये है क्वेश्चन. अब जो सेकंड क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है उसमें हम करेंगे क्या, जैसे 18 को डिवाइड करना है 3 से, तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. ध्यान से सुनना, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो जो डिजिट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है. 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे. अब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहती हूँ मैं. इसको आपने सॉल्व किया तो ये 3 के टेबल में 18 6 बार पे आता है, तो 6 4 जो क्या हो गया 24 आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 सेज 14 डिवाइड बाय 7/5. अब डिवाइड से मुझे दोबारा से डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका है कि डिवाइड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, मल्टीप्लाई में. ऐसे कन्वर्ट हो गया तो 7 1 7, 7 2 14, डिवाइड हुआ ये और ये आ गया 2 5 10. एज सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड पार्ट सेज 6 डिवाइड 2 1/3. अब आपको इतने सारे पार्ट्स मैंने कवर कर दिया है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी. तो 6 डिवाइड को पहले डिवाइड ही रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को. तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगी तो 3 2 6, 6 + 1 7, 7/3. तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 3/7. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको क्या कर दोगे, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई, 6 3 18 / 7. अब बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं आपके इसके अंदर, इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. 18 ऊपर था 7 अंदर, तो 7 2 14 हो गया, तो यहाँ से कितना बचा 4. तो जो आपका मिक्स फ्रैक्शन वो QRD रूल लगा करके कितना हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2, रिमाइंडर हो जाएगा 4 और डिवाइजर हो जाएगा 7. एज सिंपल एक और क्वेश्चन करते हैं इसका. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फोर्थ पार्ट, जो कि कह रहा है 25 डिवाइड 2 1/7. तो आप 25 को एज इट इज रखो, डिवाइड क्या कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको डिवाइड रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. 7 2 14, 14 + 1 15/7. जब आप इसको सॉल्व कर लोगे 25, अब कन्वर्ट कर दो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में, 7/15, तो 5 3 और 5 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35/3. ये आपका क्या हो जाएगा आंसर.
इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस रिवीजन के सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चंस और इसके देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं, डिवाइड। डिवाइड में अब दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन दूंगी और आपको सॉल्व करना है। 3 1/4 बाय, बाय भी लिखा हो तब भी डिवाइड होता है, 2/3। अब कैसे करोगे इसको? 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 1 प्लस किया 13, 13/4 इंटू इंटू डिवाइड, 2/3 हो गया। अब ये डिवाइड है, इंटू नहीं है, क्या है यहाँ पे डिवाइड। तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा, 13/4 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/3 भी कन्वर्ट हो जाएगा 3/2। कैंसिल आउट करोगे आप तो ये एक भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। तो डायरेक्ट 39 ऊपर और 3 2 6 यहाँ पे, और इसको सॉल्व करोगे 6 और 39, 6 6 36, और ये हो जाएगा 3 रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये जो सॉल्व होके आएगा दैट इज 6 6/3, ऐसे तो होगा। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं, ये हो गया थोड़ा सा गलत, इसको यहाँ पे करती हूँ सॉल्व। क्यू आर डी लगाएंगे, क्यू क्वेश्चन 6 है, रिमाइंडर 3 है और डिवाइजर इतना है 6, तो ये कैंसिल आउट होके 1/2, तो ये हो जाएगा 6 1/2, आपका क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। तो एक एक चीज़ आपको डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में करनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी ना रिवीजन करा देती हूँ कि आप मुझे बताओ ना कि 5/3, मैं कुछ नंबर्स लिखूँगी प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, पहले मैं 1 मिनट दूंगी आप सोचना, उसके बाद फिर मैं उसके आंसर्स बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 सपोज मान लो इसको, और इसको इरेज करती हूँ। फाइंड विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, किस टाइप का फ्रैक्शन है, नेम देम, उनको नाम भी देना है, ठीक है जी। तो अब इसको जो, जैसे पहला पार्ट है इसका दैट इज 3/5, सेकेंड है 5/3, थर्ड है 5/9, फोर्थ है 13/11, फिफ्थ है 1/6, सिक्स्थ है 2 1/3, सेवेंथ है 1 4/5, एट्थ है 1/6, 9 1/6 नहीं 1/8, नाइन्थ है 1/4। तो देखो अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन है इसके बारे में लिखेंगे, तो इसका कलर चेंज करते हो ताकि इजीली आइडेंटिफाइबल हो। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। पी पी डिनोट करूँगी मैं प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, आई डिनोट करूँगी मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, एम डिनोट करूँगी मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही समझ जाना, मैंने पहले बता दिया। 5/3 यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कौन से टाइप का हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/9 है यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है तो क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/6 यूनिट फ्रैक्शन, यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन के बारे में नहीं लिखा मैंने, यूनिट फ्रैक्शन को किससे डिनोट करेंगे, यू से। ये कौन सा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये कौन सा है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये कौन सा है 1/6, अगर आप 1/8 आइए, 1/8 यूनिट फ्रैक्शन, 1/4 यूनिट फ्रैक्शन। एक बार रिवीजन, यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर में 1 हो, चाहे 1/4 1/2 1 होना चाहिए। और लाइक फ्रैक्शन कौन से होते थे, लाइक फ्रैक्शन होते थे जिसके अंदर आपका डिनोमिनेटर सेम हुआ। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते थे, इसको लिखना मत, इसको सिर्फ जस्ट रिवीजन के तौर पे लिख लेना, मतलब समझ लेना। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते थे जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता था, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होते थे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते थे
जहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी, और इम्प्रॉपर कौन से होते थे जहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपकी डिवीजन क्लैरिटी में मिल जाए। दो तीन क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और एक ये है, एक ये करेंगे, एक और करेंगे 3 1/5 डिवाइड में 1 1/5। चलो वो एज अ आप लोगों की रिवीजन के तौर पे था फ्रैक्शन, जिसने अच्छे से नहीं क्लासेस ली हैं उनके लिए। 6/11 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 7/1 लिख सकते हो, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1/7। ये सॉल्व नहीं होगा, 6 1 6 और 11 × 7 कितना हो जाएगा 77, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 1/5 मतलब कन्वर्ट करो उसको, 5 3 15, 15 और 1 16/5 मल्टीप्लाई 5 1 5 और 1 6/5, और इसको सॉल्व करोगे, ये आपने डिवाइड लेना है। रुको एक मिनट, यहाँ पे डिवीजन रहेगा, डिवाइड करना है। अब 16/5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये डिवाइड से, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं होता। ये कैंसिल, 5 3 3 से नहीं होगा, 2 से काटो, 2 3 2 8 सा, तो 8/3 इसको आप कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 7, तो 2 2/3 आपका क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। मुझे तो इतनी प्रैक्टिस है कि ये मैंने डायरेक्टली कर लिया। आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा डिवाइड करके अच्छे से चेक करोगे कि क्या करवाया है कैसा क्वेश्चन नहीं है। चलो अब थोड़े से होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क के अंदर कमेंट्स में एक रागिनी, साक्षी और मायरा, आदि, आदित्य, इन सब बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करो सो दैट कि आप लोगों की सारी रिवीजन होती रहे, कि आप सही कर रहे हो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, मैथ्स में एक बेस बिल्डअप हो जाए। और जितना जितना मैथ्स में बेस बिल्डअप होगा आपकी मैथ्स उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, और हमें मैथ्स को वीक सब्जेक्ट नहीं फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लो आज के लिए। आपको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल आज सिखा दिया, रेसिप्रोकल में क्या करना है, ए बी सी डी, ये रेसिप्रोकल के हो गए, ये फ्रैक्शंस के हो गए, ये इंटीजर्स के हो गए। तो ए बी सी डी के अंदर ये आपका 1/2 3/4 5/6 7/8 इनके रेसिप्रोकल करना। और इंटीजर्स में आज थोड़े से बड़े वाले सम्स देती हूँ, -5 × -2 डिवाइड में 2, सेकेंड 6 × -4 डिवाइड 2 +6, थर्ड 6 × -4 +4 × -6। तो ये वाले क्वेश्चंस की आप लोग मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस दो। आप लोगों की क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बेस बिल्डअप होना चाहिए मैथ्स के अंदर। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मीटअप करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, और चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।